की पाकीज़गी, ये अल्लाह की तरफ से। तो पाकीज़गी की बात कर रहा था कि निकाह ये पाकीज़गी का सबब है, ख्याल नजरों की पाकीज़गी, दिल दिमाग की पाकीज़गी। माँ बाप को चाहिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि उसका क्या करा दे, निकाह करा दे। निकाह कराने में देर ना करें, ये भी माशरे में बहुत बड़ी गलती होती है। बेटा 25 साल का हो गया है, बेटा 27 साल का हो गया है, जब उसे निकाह की बात करते माँ बाप से, अभी तो बच्चा है, अभी तो 23 साल का है, 23 साल का नौजवान नहीं होता है क्या, उसके दिल में ख्वाहिशात नहीं है? खुदा ना खास्ता आज जैसे मुआशरा गुनाह की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, गुनाह के रास्ते कदम कदम पर सामने आते हैं। पहले जमाने में गुनाह करना मुश्किल था, लेकिन आज के जमाने में बहुत आसान है। अगर हमारा बेटा बहक गया इसकी पकड़ होगी, क्या देखते हैं कि घर नहीं है, माल नहीं है, निकाह के लिए माल की क्या जरूरत है? आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है, निकाह के लिए ज्यादा मांग की नहीं, महार के लिए 5,000 है, 5,000 हर किसी के पास होते हैं, 5,000 है महार जरूरी है, बाकी वलीमा करना भी जरूरी नहीं है, वो सुन्नत है। वलीमा करना अगर किसी के पास माल नहीं है और वो फकत वलीमे के लिए रुका है कि मेरे पास वलीमा करने के लिए पैसा नहीं है इसलिए मैं निकाह नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए रुकना जायज नहीं है, क्योंकि वलीमा जरूरी नहीं, इसके लिए निकाह करना जरूरी है। निकाह करना जरूरी है, वाजिबुन, जब सीने में ख्वाहिशात उभरती हो तो ऐसे वक्त में निकाह करना वाजिब हो जाता है। दादलो कहते हैं निकाह सुन्नत है, निकाह की कैटेगरी अलग अलग, हालात के एतबार से उसके अहकाम बदलते हैं। अगर सिना में मुबतला होने का और गुनाह में मुबतला होने का अगर यकीन हो तो ऐसे नौजवान के लिए निकाह करना फर्ज हो जाता है, लेकिन जब ऐसा होंगे हो सकता है कि मैं निकाह गुनाह में मुबतला हो जाऊँ, हो सकता है कि बच्चा हो मर जाऊँ, उस पर अपनी जात पर यकीन नहीं है, शक है, ऐसे नौजवान के ऊपर वाजिब है निकाह। लेकिन गुनाह के असबाब उसके इर्द गिर्द है नहीं और उसको यकीन भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, गुनाह से बच सकता हूँ, तो इसके लिए क्या है, निकाह करना सुन्नत, फर्ज वाजिब सुन्नत, और निकाह हराम नहीं हो जाता है। इस सूरत में जिस सूरत में उसको यकीन है कि मैं निकाह करने के बाद अपनी बीवी के हक अदा नहीं कर सकता फिर भी निकाह कर रहा हूँ, उसे यकीन है कि मैं अपनी निकाह करने के बाद बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत है नहीं, मुझ में उतनी सलाहियत है नहीं, रहती किसी किसी में कमजोरी, लेकिन उसको मालूम है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता, लोगों के अंदर जो है जहरील हो जाऊंगा, लोगों में बदनाम हो जाऊंगा इस डर से, फिर भी वो निकाह कर रहा है मजबूरी में, तो ऐसे मर्द के लिए निकाह करना हराम है। क्या है, बस एक ही मालूम है, निकाह सुन्नत है, निकाह की कैटेगरी अलग। तो जिस माँ बाप का बच्चा जवान हो गया और बीस बालिग होने के बाद, चलो 15 साल में बालिग होता है, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता, तो 20 साल के बाद उसका निकाह करा,